यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, बी को डबल करने पर आपका जो रेट है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब बी का पावर क्या आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 40th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने चार क्वेश्चन लिया है AIPM 2012 का। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, और यहाँ पर आपको पीछे दो और क्वेश्चन दिख रहे हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन से AIPM 2012 से, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है हमको कि भी आपके पास में क्या है, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताना है इन अ सबशेल विद एल इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 4 मतलब क्या है, उसमें क्या है 4 है, और एल इक्वल टू 3 आपके पास मतलब क्या है, आपके पास में एफ है ना, क्योंकि हमको पता है कि भैया एस P, D, F इस तरीके से होता है, S के corresponding 0 होता है, P के corresponding 1 होता है, D के corresponding 2 होता है, F के corresponding 3 होता है, ठीक। तो ये हमारे पास में 4F हो जाएगा, और हमको बताना है कि maximum number of electrons in a subshell with L equal to 3 एंड एन इक्वल टू 4 में क्या होएगा। सिंपल सा बात है, हमारे पास में क्या होता है, एफ हमारे पास में होता है, तो एफ के लिए हमारे पास में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7, 3, 4, 5, 6, 7 7 हमारे पास में ऑर्बिटल्स होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इन टोटल हमारे पास में आंसर क्या निकल के आएगा, इन टोटल आंसर हमारे पास में 14 निकल के आएगा, ठीक है ना। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इस सबशेल में मतलब कि 4F में कितने हो सकते हैं। अगर आपके पास में S बोलता तो आपके पास में 2 आता आंसर, अगर आपको P बोलता तो आपके पास में 6 आता आंसर, है ना। टोटल नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, यहाँ पर आपके पास में कितना होता है, 6 आता। D बोलता तो आपको 10 मिलता, और अगर आपको F बोल रहा है तो 7 × 2 आपको 14 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेटल क्रिस्टलाइजेस विद अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द लैटिस इज 408, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज, ठीक है। तो ये क्या है, फेस सेंटर्ड है, इसका मतलब कि आपके पास में फिगर कुछ इस तरीके का होगा, फिगर कुछ इस तरीके का होगा कि आपके पास में क्या होंगे, चारों कॉर्नर्स में, चारों नहीं आठों कॉर्नर्स में होंगे, और आपके पास में सारे के सारे फेजेस में, जितने भी फेज है ना, ऊपर में, नीचे में, इधर में, इधर में, ऊपर में, इधर, सारे फेज में आपके पास में जो चार ऊपर एक नीचे एक, छह फेजेस में आपके पास में फेजेस के सेंटर में, फेजेस नहीं सॉरी फेसेस, ठीक है, मैं फेजेस बोल रहा हूं, फेसेस, छह फेसेस के सेंटर पे आपके पास में होंगे। तो किसी भी आप एक फेस को लेते हो, किसी भी एक फेस को अगर आप लेते हो, तो इस तरीके से एक आपके पास में होएगा, एक बीच में होएगा फेस के सेंटर में, और एक आपके पास में होएगा, ये आपके कॉर्नर वाले हैं, किसी भी एक फेस को आप ले लो तो ये आपका क्या, आपका डायगनल बन जाएगा किसी भी एक साइड का, ठीक। अब आपके पास में रिलेशन क्या बनेगा, ये आपके पास में बनेगा रिलेशन r + 2r + r = 4r बन जाएगा, और 4r = diagonal जो आपके पास में होता है √2 times a। ए क्या है यहाँ पर, ए हमारे पास में एज लेंथ है, तो √a² + a² = √2a आपके पास में हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये डायगनल की लेंथ आ जाएगी, ठीक। अब देखो, हमको पता होता है कि हमको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या, बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 × 2r मतलब कि 2 × d = √2a, तो यहां से d हमको मिल जाएगा a/√2, ठीक है। और ए की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है, एज लेंथ आपको वैल्यू दे रखी है 408, तो 408/√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 समथिंग, तो 1.41 समथिंग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर यहां पर होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं एक गेस मारता हूं, क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे को लग रहा है 288, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 288, ये आपका 288 के बराबर आएगा, मेरे को ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है ना ये काफी दूर दूर है। फॉर एग्जाम्पल 408 को अगर आप मान लो 2 से डिवाइड करते हो तो आपको 204 मिलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपके पास में 2 से भी कम है, तो ओवरऑल वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए 204 से, तो ये आ जाएगी 288, ये तो और भी कम है, और 408 होगा नहीं, क्योंकि 408 से हमको डिवाइड लगाना, तो ये भी एलिमिनेट। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप लोग, बिना सॉल्व के भी आप लोग ऑप्शंस में से देख के क्लोजेस्ट ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर सकते हो, इसको आप एक्चुअल तरीके से डिवाइड भी लगाओगे तो आपको ये यहाँ पर मिलेगा, बाकी आप लोग चेक करके देख लेना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड, बी को डबल करने पर आपका जो रेट है वो डबल हो रहा है, इसका मतलब बी का पावर क्या आएगा, बी का पावर आपका 1 आएगा। और बोल रहा है कि रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, दोनों को डबल करेंगे तो हमारा 8 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, आपका यहां से आपका स्क्वायर टर्म्स आना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर आप इसको भी डबल करोगे, इसको भी डबल करोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 × 2 = 8, तो 8 टाइम्स आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो, सिर्फ इसको डबल करते हो, तो
तो आपका क्या हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा फिगर है आपका यहाँ पर, फिगर नहीं सिंपल सा आपका यहाँ पर कंसेप्ट है, फिगर क्या बोल रहा हूं मैं पता नहीं, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, हाँ एक्सप्रेशन बोलना चाहता था मैं, गलती से फिगर बोल दिया, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को डबल करते हो तो आपका रेट जो है वो दुगना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पावर आपका वन है बी का। और अगर आप ए और बी दोनों को चेंज करते हो, दोनों को आप डबल करते हो, तो ए को डबल करोगे तो टू ए मतलब कि फोर ए हो जाएगा, और बी को डबल करोगे तो टू बी मतलब कि फोर इंटू एट टाइम्स आपका इनिशियल से वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको ना जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको एक यहां पर ऑप्शंस में से चूज करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर कौन शो करेगा। तो इसके लिए हमारे पास में ट्रिक क्या होता है, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, 14 में 3, 15 में 2.5, 16 में हमारे पास में 2, 17 में हमारे पास में 1.5, 18 में 1, इसी तरीके से ऊपर जाओगे तो 13 पे 2.5, 12 पे हमारे पास में 2, 11 पे हमारे पास में 1.5, 10 पे हमारे पास में 1, इस तरीके से हमारा क्या होता है 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। अब आप काउंट कर लो यहां पर हमारे पास में क्या है, टू माइनस जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा 16+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो 16+1 17, मतलब कि ये आपका क्या है करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो O2 2- मतलब कि 16+2 18 मतलब कि 1, तो ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है। O2 क्या है 16 मतलब कि 2, ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है। O2+ क्या है 15 2.5, ये हमारा क्या है इनकरेक्ट है। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में O2-, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है 16 और एक नेगेटिव चार्ज है 17, वो क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि हमारा क्या है ये डायरेक्ट यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को एक्चुअल तरीके से भी निकालते हो है ना, आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिख के अगर आप बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग हाफ वगैरह प्रॉपर प्रोसीडियर से भी करते हो तो भी आपको यही चीज मिलेगा। और ये हमारे पास में डायरेक्ट यहाँ पर टेक्निक है जिसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपसे कुछ सीखा होगा, अगर आपसे कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।